सब आए पहले वाले परमाणु की पर कोई रास्ता जब बंद हुआ तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो फिर मैं वहीं पे गई, मजबूर हो गई मैं प्रेस क�पे जाने के लिए जांच करने के लिए। आप किस लिए गए थे प्रेस कॉलोनी? आपके जो खा बंदे उस उनको कितना टाइम हो गया जेल में? उनको हो गई 3 साल। उनको किस वजह पे गिरफ्तार किया गया? वो पता नहीं चल रहा है किस वजह पे, लेकिन वो अपनी मजदूरी करता था अच्छी तरह, घर भी जाता था। मुझे ससुराल वालों ने वहाँ से निकाल दिया, 8 महीने से थी मैं इसके, तो फिर मैं आ गई यहाँ पे। तो मेरे पति ने कहा मैं आपको नहीं रख सकता दूसरे का मतलब किराए के घर में, क्योंकि बीमार पड़ जाऊंगी, कुछ करूँगी मैं किसको बोलूँगा। मैं तो निकलता हूँ, 2 दिन के बाद भी आता हूँ, 3 दिन के बाद भी आता हूँ, वहाँ पे कौन है तुम्हारा ख्याल रखने वाला? तो उस वजह से मैं आई मायके, मायके में हो गए मुझे 3 साल। जी आपके खाविन क्या करते थे? वो ट्रक चलाते थे। जब उनको गिरफ्तार किया आप तब पुलिस के पास या किसी अथॉरिटी के पास नहीं गए? नहीं, मेरे पास वो गुजारा नहीं था, मेरे पास कोई गुजारा नहीं था। मैं जाऊँ, मैं लड़ूँ, मैं किसी से बात करूँ, वो गुजारा नहीं था। आपको ये वजह भी नहीं पता है कि आपके शोहर को किस बात पे हिरासत में लिया गया? नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। अलबत्ता 10 दिनों के बाद में उसने मुझे फोन किया, मुझे ऐसा हुआ किसी ने गाड़ी में कुछ रखा था, सामान के बगैर सामान नहीं था। नहीं। अच्छा, उनको कहाँ पे हिरासत में लिया गया था? पंजाब। जी। तब से फैमिली में से उनके पास कोई गया? नहीं, कोई नहीं गया, मेरी फैमिली का कोई नहीं गया, हमारे पास उसका गुजारा नहीं है। उनके फैमिली में से कोई गया वहाँ? वो भी पता नहीं है मुझे। अब मेरे ससुराल वाले कह रहे हैं उनको, इसको छोड़ दो, सबा को इसको छोड़ दो, हम आपको लड़ेंगे, हम आपको छुड़वाएंगे। वो नहीं मानता, वो बोलता है मेरी बच्ची है, मेरी बीवी है, मैं क्यों छोड़ूंगा इनको। आपकी उनसे आखिरी बार बात कब हुई थी? आखिरी बात तो 3 साल पहले ही होगी। तब उन्होंने आपसे क्या कहा था जब आखिरी बार फोन पे बात की? बस रोने लगे, बोला मेरे घर जाओ ससुराल, उनको कहो मुझे छोड़ दो। गए? नहीं, हाँ हाँ ससुराल में गई। लोगों ने वहाँ पे क्या रिवार्ड किया? उन्होंने जवाब दिया हम मशवरा करेंगे, मशवरा करने के साथ साथ ही 3 साल बीत गए, अभी तक कोई जवाब नहीं, अभी कोई जवाब नहीं है। अच्छा, जो यहाँ पे आपके हमसाया है या बाकी लोग हैं, उन लोगों ने आपके साथ कोई हमदर्दी जताई या मदद की? हमसायों ने मेरे हमदर्दी की, दिया कुछ नहीं लेकिन सहारा दिया मुझे, बात करने का, टेंशन मत लो कोई बात नहीं, ऊपर वाला है जब कोई नहीं है। मेरी मम्मी पापा है, वो बेचारे क्या करेंगे। मेरा पापा आप देख सकते हो आप ये कैसे हैं, मेरी मम्मी वो बीमारी होती है, उसको जो कुछ भी पैसे होते हैं मतलब अपने इलाज के लिए वो मुझे देती है, अपनी बेटी को बचाओ, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, खाली बेटी तुम्हारे सामने है, इसको ठीक करके रखो, वो भी आजकल बीमारी है। जब उनको हिरासत में लिया गया था बाहर, जो यहाँ का लोकल पुलिस स्टेशन है आपका बटामालू पुलिस स्टेशन, उनमें से यहाँ पे कोई आया था? नहीं, कोई नहीं। आप पे कोई मैसेज नहीं मिली वहाँ से? नहीं, कोई नहीं। तो जब वो गिरफ्तार हुए, आपकी जिंदगी तब से अभी तक कैसे कट रही है? बस कैसे जैसे आप देख रहे हैं, कैसे गुजार रहे हैं? यही मेरी जिंदगी, फटी हुई, जो फटा हुआ कपड़ा होता है वैसी मेरी जिंदगी हुई है। फिर मैं गई थी वर्षा नगर भी छलांग मारने, वहाँ से मुझे सीआरपी वालों ने पकड़ा, बचाया मुझे, बीएसएफ वालों ने, पुलिस वालों ने बचाया, बोला ये गलत है आपका। आपने जो सुसाइड का कदम लिया था वो इसीलिए मैंने लिया था? जी, जब कोई रास्ता ही नहीं बचा था, सारे रास्ते बंद हो गए। अब मैं शुक्रगुजार हूँ अपने मीडिया वालों का, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। ये मत करो, अपनी जिंदगी मत खराब करो, आप तो मुसाफिर हो ही, बच्ची का सोचो, हम आपके साथ है जब कोई नहीं है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, मैं क्या कह सकती हूँ, इन्होंने मुझे पकड़ा, उन्होंने मुझे हमदर्द बनाया, नहीं चलो हम आपके साथ हैं। आपकी अब गुजारिश क्या रहेगी सरकार से? मेरी अब यही गुजारिश है हर किसी के, मैं हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ, मैं सबको बोलती हूँ वो आपकी मेहरबानी होगी, नवाजिश होगी, मेरा हस्बैंड को छोड़ दिया जाओ, क्योंकि मैं डर डर की ठोकरें खाने लगी हूँ। मेरी बच्ची भी, ये भी किसी को देखती है बाप के साथ खेलते हुए हंसते हुए, ये मुझे बोलती है मामा मामा डैडा मामा डैडा, मैं क्या जवाब दूँ सोची, आपका डैडा है कहाँ, आप मुझे बताइए मैं क्या जवाब दूँ। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने छलांग मारने की कोशिश की, वहाँ से मुझे बचाया। अब मैं यही अपील करती हूँ हर किसी के, किसी को।
गवर्नमेंट से करती हूँ अपील, मेरे पति को छोड़ दिया जाए, गुजारिश करती हूँ उनसे। जो आपके ससुराल वाले हैं उनमें से यहाँ पे आया जब उनको हिरासत में लिया गया है, यहाँ पे नहीं, उनको ये भी नहीं पता है मेरी बच्ची है, बच्चा या लड़का है या लड़की है, कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं। उन तक एक खबर आई कि मतलब आपने खुदकुशी की? मुझे नहीं पता, वो उन्हीं को पता होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले भी सोशल मीडिया को दिया, यहाँ पे कोई नहीं आया, बच्चा भी नहीं आया देखने, जरा हम देखेंगे ये बच्ची ठीक है, चलो मेरा छोड़ो, मैं बहू हूँ, मेरा छोड़िए, मेरी बच्ची का नहीं सोचा, ये तो इन्हीं का खून था, इसका भी नहीं सोचा। कोई खबर उनकी वो ठीक है वहाँ पर जेल में? वो भी बीमार है, मेरे पति भी बीमार है जेल में। आपको एक खबर किसने दी वो वहाँ पर? उन्होंने खुद दी, उन्होंने फोन किया, मैं बीमार हूँ, रोते रोते फोन किया, मैं अब नहीं बचने। तब से कितने टाइम हुआ जब उन्होंने फोन किया? 2-3 महीने हो गए। तब से कोई फोन नहीं? तब से कोई फोन नहीं। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं गई थी प्रेस कॉलोनी, वहाँ पे मैंने एहतजाज किया। कोई उम्मीदें आपको मतलब बाहर आएंगे? बस उम्मीद है परवरदिगार।